Yes. This is the fourth video and the last video of the chapter. How can we conserve the environment? हम environment को कैसे conserve करेंगे, अपने environment की को protect करने का काम करेंगे. To understand the importance of conservation, conservation के importance को समझने के लिए. How to preserve our ecosystems, हम अपने ecosystems को कैसे preserve करें. Let's ask ourselves some अ फ्यू क्वेश्चंस. तो अब हम खुद से कुछ क्वेश्चन करें. तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है स्टूडेंट्स, हु आर वी सेविंग द एनवायरनमेंट फ्रॉम, हम एनवायरनमेंट को किससे बचा रहे हैं. कंजर्वेशन ऑफन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर फ्रॉम अस ह्यूमंस. तो कंजर्वेशन का अक्सर मीनिंग क्या होता है, नेचर को हमसे बचाना, यानी हम जो ह्यूमन बींग हैं हमसे प्रकृति को बचाना ही कंजर्वेशन है. तो हम ही तो जिम्मेदार हैं इसको डैमेज करने के. वी डू नॉट थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म, हम ये नहीं मानते कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स ऑफ आवर प्रेजेंट एक्शंस, हमारी प्रेजेंट की एक्शंस का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा, हम ये नहीं सोचते. वी यूज थिंग्स मेड फ्रॉम रिसोर्सेस, हम उन चीज़ों को यूज भी करते हैं जो रिसोर्सेस से बनी हैं, फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट की हैं. लाइक द वुड फ्रॉम ट्रीज, लकड़ी ट्रीज से मिलती है. इन अ फॉरेस्ट टू मेक पेंसिल और पेपर, जिससे पेंसिल और पेपर बनता है. व्हेन वी स्विच ऑन लाइट्स, जब हम लाइट जलाते हैं. मोस्ट ऑफ अस यूज, हम में से ज़्यादातर क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी दैट्स कम्स फ्रॉम पावर प्लांट, जो उन पावर प्लांट से आती है जहाँ पर देखिए बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जहाँ पर फॉसिल फ्यूल जैसे और कोयला जलता है. When we ride in cars, जब हम कारों में चढ़ते हैं, and buses, बसों में चलते हैं, we again burn fossil fuels, हम फिर ईंधन जलाते हैं जैसे डीजल या पेट्रोल. तो burning these pollutes the air, इन सबको जलाने से क्या होता है, हवा गंदी होती है. Pollution affects both living beings and climate, pollution दोनों living beings और climate दोनों को affect करता है. With our actions we are passing many species towards extinction, तो हमारे ही actions की वजह से हम बहुत सारी species को extinction की ओर धकेल रहे हैं. extinction means क्या होता है, finish हो जाना, विलुप्त हो जाना. अब next question क्या है, why should we care, हम care क्यों करें. reason बन है, देखिए each animal, हर एक जानवर, plant और ecosystem is valuable होता है, because इट इज स्पेशल, क्योंकि ये स्पेशल है. हर एक प्लांट अपने आप में स्पेशल है. ऑल लिविंग थिंग्स हैव यूनिक आइडेंटिटीज, तो सभी लिविंग थिंग्स की आइडेंटिटीज अलग अलग होती हैं. इट इज़ द सेम विद इकोसिस्टम्स, और ये इकोसिस्टम में भी सेम होती हैं. ईच डेजर्ट, हर एक रेगिस्तान या फॉरेस्ट या कोरल रीफ एक चट्टान होती है, इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जो दूसरों से डिफरेंट होती हैं. Because it is made up of different species in different place, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग species से बनी है. Every species plays a vital role in its ecosystem, हर एक species अपने ecosystem के लिए एक vital role play करती है. एन इकोसिस्टम इज लाइक ए कॉम्प्लेक्स जिक्सा पजल, एक इकोसिस्टम एक कॉम्प्लेक्स पजल होता है. इट्स बैलेंस कैन बी डिस्टर्ब्ड, इसका बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है. इफ इवन वन कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज डिस्टर्ब, अगर इकोसिस्टम का अगर कोई भी एक कंपोनेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अब क्या होता है, देखिए इफ द लायन इन अफ्रीका, अगर अफ्रीका के लायंस वर टू बिकम एक्सटिंक्ट, अगर विलुप्त हो जाएं, चले जाएं दुनिया से, ख़त्म हो जाएं, तो क्या होगा, द एनिमल्स दे ईट, जिन जानवरों को वो खाते हैं जैसे जेब्रा, विल ग्रो ग्रेटली इन नंबर, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. ईटिंग टू मैनी प्लांट्स, बहुत ज़्यादा प्लांट को वो खाएंगे. दैट अदर एनिमल्स इन द इकोसिस्टम डिपेंड ऑन, जिससे इकोसिस्टम के जिस पर एनिमल दूसरे डिपेंड होते हैं. दिस विल अफेक्ट द अदर ग्रेजर्स, इससे दूसरे ग्रेजर्स पर असर पड़ेगा, कॉजिंग देयर डेथ, और उनकी डेथ हो सकती है.
नेक्स्ट पॉइंट है क्लास, बायोडाइवर्सिटी इज द की टू बैलेंस्ड एक्सिस्टेंस। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे एक्सिस्टेंस को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है, वी मस्ट स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। हमें ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहिए, ठीक है। इफ़ वी डू नॉट प्रिजर्व आवर अर्थ, अगर हम अपनी पृथ्वी को नहीं कंजर्व नहीं करते, सुरक्षित नहीं रखते, वी विल लूज ऑल द गुड थिंग्स वी हैव। हम हमारे पास जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन सबको हम खो देंगे। सो वी मस्ट एक्ट नाउ, इसीलिए हमको काम करना चाहिए फॉर अ बेटर वर्ल्ड टुमारो। तो कल के लिए हमें अच्छे संसार के लिए काम करना चाहिए।